इस दिमाग को मुस्तकिल चलने की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एरियाज हमारे ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हम एंग्जाइटी का शिकार हैं, या कुछ हिस्से हमारे इस तरह होते हैं कि वो अपनी इस स्पीड के साथ नहीं धड़क रहे होते हैं, वो केमिकल्स नहीं बना पा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। कुछ ज़हनी अमराज ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अंदेशा होता है कि क्या इनके ऊपर जिन चढ़ गए हैं, कोई असरात हो गए हैं, या कोई रूहानी कोई मामला स्टार्ट हो गए हैं। कुछ अमराज में ऐसा होता है कि हमारी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारी शक्लें भी चेंज होने लगती हैं। ये तमाम फैक्टर्स निशानदेही करते हैं कि इसके अंदर कोई सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको एक प्रोफेशनल हेल्प की नीड है। उससे उसकी माशरती लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ कितनी मुतासिर होती है, समाज कितना मुतासिर हो रहा है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कुछ स्ट्रेस आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, तो थेरेपी आपको इन सब चीज़ों से, इन स्ट्रेसर से डील करने में हेल्प करती है और आपको एक वे आउट दिखाती है। हम या उसके घर वाले या लोग समझते हैं कि इसको इलाज की ज़रूरत है। 70% हमारे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर मेरी नींद ख़राब है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे मायूसी हो रही है, मुझे बिला बजा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा। आम तौर पर भी उसका जो रवैया है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है। वही अप्रोच को जो है अगर ऑफिस में भी अप्लाई करेगा तो यही चीज़ें होती हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है गुस्से की तरह से जो है वो डील करता है। 80% इसकी वजह ज़हनी दबाव है, वो ज़हनी दबाव जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और एंग्जाइटी और तशवीश का शिकार ना सिर्फ ये कि आपकी जिस्मानी बल्कि आपकी ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये आपके लिए हार्ट अटैक से लेके शुगर और ऐसे बहुत सारे कार्डियक इश्यूज का सबब बन सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल वेलनेस क्लिनिक दुनिया के चंद जदीद तरीन और पाकिस्तान का वाहिद सेंटर है जहाँ पे तशखीस से लेकर इलाज तक ज़हनी सेहत के जितने थेरेपिस्ट हैं वो एक छत के नीचे मौजूद हैं। अजीब अजीब हरकतें करता है, चीज़ें तोड़ना घर की, डरना चीज़ों से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी बहन को देखता है तो उसको देख के चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा आ रहा है। ऑफिस में भी एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है और जब घर जाता हूँ तो वाइफ के साथ भी बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपको होता क्या क्या है इसमें? अजीब अजीब एक आवाज़ ऐसी आती है, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो अजीब डर लगता है मुझे। आइडियल यही होता है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रख के उसको तो निपटा दें। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इसको ऐसा करते हैं, हम लास्ट में रख लेते हैं, पहले जो हमसे नहीं हो रहा हम उसमें लगे रहते हैं। 90% टाइम हमारा उसके अंदर चला जा चुका होता है, वो हमसे होता नहीं है। जो हम कर सकते हैं उसका टाइम हमारे पास नहीं बचता, हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं और उस स्ट्रेस के अंदर हमसे वो 10% का काम भी जो है वो नहीं हो पाता और वो प्रेशर पर ज़ाहिर है हमारी जिस्मानी सेहत पर, ज़हनी सेहत पर, चिड़चिड़ापन, ये लाजमी तौर के ऊपर हमारे पर आता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरे ज़हनी अमराज के लिए दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो अमेरिका, कनाडा और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है और $15,000 इसके चार्जेस हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल वेलनेस क्लिनिक वाहिद ऐसा सेंटर है जहाँ पर 2 न्यूरो मॉड्यूलेशन थिएटर्स RTMs की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी दवाइयों और दवाइयों के बगैर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जितने भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हों, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल वेलनेस क्लिनिक आपकी दिमागी और ज़हनी अमराज का कामयाब इलाज करता है। सोचिए और सोच को बदलने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ज़हनी सेहत ही असल जिंदगी है।